तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पीएफ में, ईपीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग पड़ा है, उसको आप कैसे सही करवा सकते हो और कहाँ कहाँ से वो हो सकता है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, कई बार जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो और वहाँ से रिजाइन डाल देते हो, नोटिस पीरियड भी प्रॉपर सर्व करते हो, या कई बार नहीं भी अगर करते हो, तो क्या होता है कि आपका पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग डाल देते हैं या डालते ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो जब आपका डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग पड़ा हो। तो देखो, पहली कंडीशन होती है कि अगर आप अपनी प्रीवियस या प्रीवियस टू प्रीवियस कंपनी के टच में हो, तो उनको मेल डाल के डेट ऑफ एग्जिट आप करेक्ट करवा सकते हो। एंड इन केस अगर आपका वहाँ से नहीं हो पा रहा डेट ऑफ एग्जिट, अगर करेक्ट आप वहाँ से नहीं करा पा रहे हो, तो उस केस में जो पीएफ डिपार्टमेंट होता है, पीएफ डिपार्टमेंट के जो स्टोर्स होते हैं, जो शॉप्स वगैरह ओपन होती हैं, तो बेसिकली आप वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आप अपने एरिया में सर्च करोगे कि ईपीएफ डिपार्टमेंट कहाँ पे है उनकी सेटिंग, जैसे कि नॉर्मली आधार सेवा केंद्र होते हैं, पैन सेवा केंद्र होते हैं, तो वहाँ पे जैसे आप जाके आधार में करेक्शन कराते हो, वैसे ही आप अपने ईपीएफ में भी करेक्शन करा सकते हो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको नॉर्मली एक फॉर्म भरना पड़ता है और वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरने पड़ते हैं, फिल करने पड़ते हैं, आपको सर्विस पीरियड दिखाना पड़ता है, अपना यूएन कार्ड दिखाना पड़ता है और टेन्योर दिखाना पड़ता है। ये सारी डिटेल आपको उस फॉर्म में फिल करनी होगी, आपका आधार लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ ईपीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट करने पड़ेंगे। एंड इसके बाद आप अपना डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट करा सकते हो, या डेट ऑफ एग्जिट में अगर रॉन्ग पड़ा हो, तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, आपका 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन बाद का डाल देती हैं। अगर आपको ये जानना है कि डेट ऑफ एग्जिट में कब प्रॉब्लम होती, कब नहीं, या डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग डाल दिया है, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली दो ही तरीके हैं, या तो अपने प्रीवियस कम्युनिकेशन को कनेक्ट करो, कॉन्टैक्ट करो, उनसे बोलो मेरा डेट ऑफ एग्जिट आपने गलत डाला है या आपने डाला नहीं है, उसको आप प्लीज़ डाल दो। अगर इन केस कंपनी मना करती है, तो फिर आप उनसे एक तरीके से ज़बरदस्ती भी करवा सकते हो, क्योंकि ये लेबर लॉ के अंडर आता है, कंपनी आपकी कंपनी को ये डालना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है। अगर इन केस इन सब चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट ईपीएफ डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ से अपना डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट करवा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम अहमद, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में टेल देना, हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।